अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका प्यारा भाई इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान फॉर यू टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आपके पास टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं और आपके पास कोई भी टॉपिक नहीं बचता है वीडियो बनाने के लिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। इस बारे में आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपका कुकिंग का चैनल है या आपका कोई टेक्नोलॉजी का चैनल है और जिस पर आप वीडियोस बनाते हैं और आप 25-30 वीडियोस बना चुके हैं और आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाएँ ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक ख़त्म हो जाने की। अगर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में आज की वीडियो में आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ। अगर आपका फर्ज करें कुकिंग का चैनल है, आप कुकिंग के हवाले से वीडियोस बनाते हैं, अब आप बता रहे हैं अपने आलू बनाने का तरीका, मुर्गी बनाने का तरीका, सारे तरीके आपने बता दिए हैं, 40-50 वीडियोस बना चुके हैं, अब आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो इसका हल ये है कि मेरे साथ भी ये मसला पेश आया था। मैंने 40-50 वीडियोस बनाने के बाद मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता था, तो मैंने क्या किया कि एक डायरी अपने पास रख ली, जब भी कहीं भी होता वो जेब में पड़ी होती थी, पेन जेब में लगी हुई होती थी, कहीं पे भी होता था, अगर कोई भी टॉपिक जहन में आ जाता था तो उसी टाइम मैं उस डायरी में लिख लेता कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो इस तरह से लिखते लिखते मैंने अपनी डायरी को भर लिया टॉपिकों से, फिर मैं रोज़ उसमें से एक टॉपिक पर बना देता हूँ और उस पर निशान लगा लेता हूँ कि इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना ली है। तो इस तरीके से आपके टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई एक टॉपिक है, मसलन सिर्फ आलू पकाने का तरीका, तो आप उस एक टॉपिक पे भी 10 वीडियोस बना सकते हो अगर आप अपनी पे आओ तो। एक तरीका है, अगर आप सिंपली आलू को ले लो तो आलू को पहले खाली घी में पकाने का तरीका आप बना सकते हो, फिर आलू को आप जो है आलू का सालन कैसे बनाया जाए वो बना सकते हो, फिर उसमें एक ही आलू के कई किस्म है उसको तैयार करने के, एक एक हिस्से पे एक एक वीडियो बनाए, एक ही वीडियो में सारे ऐसे ना बनाए, इस तरीके से आपकी वीडियो ज़्यादा बनेंगी। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करें किसी का टेक्नोलॉजी का चैनल है, उसने वीडियो बनाई, यूट्यूब की वीडियो गैलरी में कैसे डाउनलोड करें, तो उसका तो ये ख़त्म हो गया। अगर ये इसको वो खींच तान के बड़ा करेगा तो इस एक टॉपिक पर भी वो 5-10 वीडियोज़ बना सकता है। अब वो कैसे, वो ऐसे कि वो इस पर बनाए कि भाई यूट्यूब को ऑफलाइन कैसे यूज़ करें, एक ये हो गया। दूसरा ये वीडियो बनाएगा कि यूट्यूब की वीडियो को गैलरी में कैसे डाउनलोड करें। तीसरे नंबर पे ये बनाएगा कि भाई यूट्यूब की वीडियो को गैलरी में डाउनलोड करें बगैर किसी ऐप के, बगैर किसी साफ्ट के। और दूसरा ये तरीका बताएगा कि यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करें खाली। तो ऐसे तरीके से मतलब एक ही टॉपिक को आप खींच तान के उस पर भी 7-8 वीडियोज बनाने पर आए तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐसा हिसाब रखना है कि आपकी वीडियो ज़्यादा बने और टॉपिक से आपको जब भी कोई जहन में आए तो वो अपनी डायरी में लिख लिया करें, वैसे जहन में नहीं आते हैं। तो ये तरीका आप ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह फ़र्क नज़र आएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।